मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज है सैटरडे, सो आज यहाँ पे आइसोलेशन का थर्ड डे है. सेकंड डे पे मैं वीडियो बना नहीं पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज स्टार्ट करती हूँ एक नई वीडियो. सो आज हम बनाने वाले हैं आलू का परांठा. तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं टेस्टी, बहुत ही यम्मी आलू का परांठा. तो मेरा सामान जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे मिक्स करना है उसे. लाइक मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं और आटा भी मैंने गूंथ दिया है. सो आई शो यू एंड आई शो यू व्हाट लुक एट हिम. ऐशी अभी वॉक करके आया है और ऐशी ने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है ना. ऐशी अभी डाइजेस्ट कर रहा है अपना खाना. तो मैंने आटा जो है वो कल ही गूंथ दिया था. और ये रही ग्रीन चिलीज, क्योंकि ग्रीन चिलीज तो बहुत ही अच्छी लगती हैं आलू के परांठे में. और ये रहे मेरे बॉयल्ड आलू, तो ये मैंने बॉयल कर दिए हैं. पोटैटोस भी ये रेडी है और मेरे अनियंस भी चॉप्ड हैं. और ये रहे चॉप्ड अनियंस. और ये ग्रीन चिलीज हमने इतनी लेनी है. और ये मेरे कितने हैं पोटैटोस, 3, 3, 6, 7, 8, 9 पोटैटोस हैं. तो मैंने इतने इसलिए बॉईल किए हैं कि अगर बच जाएंगे तो इसकी पीठी हम वो भी बना सकते हैं सैंडविच. बहुत ही अच्छे बनते हैं इसके सैंडविच भी. तो पहले तो हम आलू के परांठे बनाएंगे. तो इसको अपने अच्छे से मैश कर लेना है पोटैटोस को. अपने पोटैटो जिस तरह से मैश कर लेने हैं. और इसमें अब हम डालेंगे अनियंस, चॉप्ड अनियंस, ये सारी ग्रीन चिलीज, ये रहा क्यूमिन पाउडर. तो क्यूमिन पाउडर के मैंने 2 स्पून जो है ये वाले ऐड किए हैं. और साथ में डालेंगे हम कोरिएंडर सीड्स, इससे टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है. सो मैं इतने मुट्ठी भर जो है कोरिएंडर सीड्स ऐड करूंगी इसमें. और इसमें अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर. ये टीस्पून है तो मैं इसके 2 टीस्पून ऐड कर दूंगी. 2 से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है ये. और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट. तो इतना सॉल्ट बहुत है. नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें अनारदाना. अनारदाना तो बहुत ही अच्छा लगता है आलू के परांठे में. तो हम इतना अनारदाना जो है वो इसमें ऐड कर देंगे. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चलेगा. और नेक्स्ट रहा चिली पाउडर. मैंने ग्रीन चिलीज तो डाली है बट वो इतनी स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं रेड चिली ऐड कर रही हूँ. ये रही कस्तूरी मेथी. सो हम इतनी कस्तूरी मेथी जो है वो ऐड करेंगे. बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी. और थोड़ी सी जो अजवाइन है वो ऐड कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं. और हमारा सारा मसाला जो है हमने सब कुछ डाल दिया है इसमें. अगर आप चाहो तो आप कोरिएंडर भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो वो ऑप्शनल है. तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पोटैटोस के साथ. तो हमारी पीठी जो है वो रेडी है और अब हम बनाना शुरू करेंगे. तो हम ये ले लेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे. इस पर ये पड़े थे लगा के. इस तरह से रोल करेंगे तो आपने इतना रोल कर लेना है. इतना रोल करके
इसको इस तरह से फोल्ड करना है, हम एक ही पेड़े में बना रहे हैं। इस पे फिर से हम पलेटन लगा लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे, इसको फ्लैट करना है अब हमें, ताकि आलू जो है वो सारी जगह पे जो है वो चले जाए। और आप देख रहे होंगे तो मेरा परांठा जो है वो फटा नहीं है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आलू का परांठा आपका फट जाता है। तो ये जो है ये रेडी है, इसको मैं डालूंगी पैन में। एक सेकेंड, हमारा पैन जो है वो गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे परांठा और इसे हम पकने देंगे। सो ये एक साइड से जो है वो रेडी है, तो मैंने इसको पलट दिया है। अब हम दूसरी तरफ भी पकाएंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमारा जो दूसरी तरफ से वो रेडी होने वाला है, अब हम इस पे ऑयल लगा देंगे एक साइड। इसको पलट देंगे और अब हम इस तरफ भी ऑयल लगा देंगे। तो ये इस तरह से ब्रश से लगा लेंगे, ब्रश से जो है वो कम ऑयल लगता है। और इसको हम पलटेंगे। हमारा परांठा जो है वो रेडी होने वाला है। तो अगर आप देखो तो एक साइड से क्रिस्पी हो गया, हम दूसरी साइड से भी थोड़ा क्रिस्पी करेंगे। तो ये जो है ये परांठा जो है वो तैयार है। से आप बाकी के परांठे भी बना सकते हैं। गाइस आई एम हैविंग परांठा, आलू का परांठा जो मैंने अभी बनाया है। और अभी पहले हम ऐश को खिलाएंगे, ऐश बताएगा कैसे बनाया। यम्मी। ऐश जीभे मार रहा है तो मतलब बहुत अच्छा बना है, और दही के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है आलू का परांठा, और साथ में हो देसी घी। सो गाइस आप भी ये मेरी आलू के परांठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही यम्मी है। कैसा है बेबी, आपको कैसा लगा? नाइस। ओके, बस जस्ट नाइस। वेरी नाइस, एकदम सॉल्ट भी परफेक्ट है और मिर्ची भी। ओके गाइस, सो वी विल एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट, सो आई विल सी यू लेटर। सो गाइस अभी हम सो गए थे और अभी उठे हैं, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं।
और I'll show you the view. It's looking beautiful out there. Look at the beautiful sky. काफी विंडी हो रखा है आज. सो थोड़ा विंडी हो रखा है और थोड़ा मौसम जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, लाइक ठंडा हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं यहाँ पे. और काफ़ी जो लोग हैं वो घरों में ही हैं अपने, न्यूजीलैंड में काफ़ी सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को. गाइस सो कैसे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो लाइक इन दिस लॉकडाउन. जो भी आपकी अच्छी हॉबीज़ हैं, ठीक है, लाइक रीडिंग बुक्स और यू कैन लर्न समथिंग न्यू, लाइक आई एम गोइंग टू लर्न एक्सेल. एक्सेल मुझे आता है लेकिन थोड़ा और मुझे वास्ट में सीखना है उसे. और मुझे अपना ड्राइविंग का देखना है. आई डोंट नो कि ड्राइविंग लाइक मैं सीख सकती हूँ कि नहीं बाहर. आई एम नॉट श्योर कि कॉप्स क्योंकि बाहर घूम रहे होते हैं. लेकिन हाँ, मुझे अपने आप को लाइक एक्सेल और कुछ चीज़ों में मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है इस लॉकडाउन पीरियड में. और कुछ मैं नई नई चीज़ें जो हैं वो कुक कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ रेसिपीज. और गाइस मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम मिला है लाइक अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का. हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ओनली अगर दो हॉलीडेज़ होती हैं लाइक सैटरडे संडे, और हम सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी जो हैं वो फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, कहीं कोई काम पे नहीं जा रहा है, तो हम अच्छा टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. और मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग हैं वो घरों में ही रहें अपने. और बार बार आप अपने हैंड वॉश करते रहिए. अगर आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो आप अपने हैंड वॉश करते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए. और गाइस आप क्या कर सकते हैं, और मूवीज़ देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज़ देख सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और वॉक पे जा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं. तो निकल जाता है टाइम. आज यहाँ पे भी थर्ड डे है तो हमारा टाइम भी निकल ही रहा है, इतना बोरिंग भी नहीं है लग रहा. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें ऐश के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है. वो हमारे साथ ही रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. अब और उसे भी अच्छा लगता होगा हम घर पर ही हैं, तो नहीं तो वो सारा दिन अकेला रहता था. लेकिन अभी हम भी उसकी जैसे लॉकडाउन हो गए, जैसे वो रहता था अकेला घर पर, कहीं बाहर नहीं जा सकता है, वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है. तो वी कैन फील कि वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करता होगा. और जो आज कंफर्म केसेस हैं 451 हो गए हैं, लाइक 83 केसेस नए आए हैं अभी. और तो क्योंकि ये कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो लोग पहले जो पहले ट्रैवल करके ओवरसीज से आए थे, उनके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो पेंडिंग होंगे, इसलिए वो कुछ पिछला भी जो है वो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो अभी जो है टोटल कंफर्म केसेस 451 है. तो आज जो है वो थर्ड डे है आइसोलेशन का, और मुझे लगता है कि ये और भी बढ़ने वाला है अगर इस तरह से केसेस बढ़ते रहे तो. तो देखो कब तक ये लॉकडाउन रहता है. और या नहीं, देखो सामने देखिए आप, गेम चलने लगी है, क्रिकेट खेला जा रहा है, ऐसे टाइम स्पेंड किया जा रहा है अपना. Look at Ash. Ash, क्या कर रही है?
क्या कर रहा है तू? व्हाट आर यू डूइंग ऐश? क्या कर रहा है ये? सफाई अपनी यहाँ पे इसके दाना और रखा है, उसको लिख कर रहा है। यू आर शो नोटी शो नोटी शो नोटी। कल ऐशी नहाएगा ठीक है, कल हम आपका शावर करेंगे, बेबी शावर एट होम ठीक है। तो यहाँ सामने का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा टाइम ऐसे भी हमारा स्पेंड हो जाता है इसको देख के। अगर आप देखो तो आज क्लियर है स्काई, तो जो पानी है वो भी क्लियर है, एकदम ब्लू लग रहा है। मुझे ऐसा कलर बहुत अच्छा लगता है पानी का। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी, तो इसका जो पानी है वो मुझे चेंज करना है, अभी काफ़ी दिन से पानी चेंज नहीं किया है क्योंकि कॉफ़ी बनी नहीं। सो ये मैंने इसका फ्रेश पानी भरा है इसमें, इसको यहाँ लगा देंगे। सो जो मैं चॉकलेट यूज़ करती हूँ बेल्जियन चॉकलेट है, ड्रिंकिंग चॉकलेट, बहुत ही अच्छी है, तो इतनी शुगर नहीं है इसमें। तो हम बनाने जा रहे हैं मोका। वार्म और हॉट? आई एम कंफ्यूज। ठीक है, इसको ऑन करो। Look at the coffee, it's really nice. I love this coffee. So Rohit ki coffee to ready hai, to main Rohit ko de aati hu. Have it. So meri coffee bhi ready hai. वेरी नाइस, सेटिस्फेक्शन से मिलती है, और मुझे कॉफ़ी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। सो गाइस आई एम एंजॉयिंग माई कॉफ़ी, यू ऑल्सो एंजॉय योर टी योर कॉफ़ी इफ यू आर ड्रिंकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। So yeah, I will see you in next video now. So thanks for watching, and yeah guys, please stay at home, and yeah, be kind with each other and stay safe and take care all.